केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल रविवार को सहपरिवार सहित गोवर्धन पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले उन्होंने मुकुट मुखारविंद मंदिर में दुग्ध अभिषेक कर पूजा अर्चना की और गिरिराज महाराज का पूजन कर आशीर्वाद लिया। मुकुट मुखारविंद मंदिर के सेवायत एवं पांडा पुजारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ मंत्री जी की पूजा अर्चना सम्पन्न कराई। रविवार को केंद्रीय जल संसाधन मंत्री प्रहलाद पटेल ने गिरिराज जी की पूजा की और मोहन श्याम शर्मा ने पूजा अर्चना कराई। गजेंद्र सिंह ने मंत्री को पटुका उड़ाकर स्वागत किया गया। मंत्री श्री पटेल ने पत्रकारों से मुताबित होते हुए कहा कि गिरिराज जी उनका गहरा लगाव करते हैं, वह परिवार सहित यहाँ आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि गिरिराज महाराज की कृपा इसी प्रकार उनके सर पर बनी रहे तो वह गिरिराज जी के आशीर्वाद से जनता की सेवा में जुटे रहेंगे। मुझे लगता है कि जनभावना से ऊपर जो चीज़ें हम मानते हैं कि अब कृपा हुई है भगवान दादा बल्लभ की और सभी की कि शायद हमारा स्वर्णयुग फिर से वापस आ रहा है। मैं तो यही विनती करूँगा श्री चरणों में, दादा बल्लभ जी के चरणों में, कि हमारे आने वाली पीढ़ी को वो ऊर्जा दें ताकि इस देश को वह यशस्वी बना पाए। उनकी कृपा के बगैर संभव नहीं, परिश्रम तो सभी करते हैं, परिणाम मिलने के लिए कृपा की जरूरत पड़ती है। उनकी कृपा बनी रहे। आज मैं अपने पूर्वजों की पुण्याई मानता हूँ, अपने आराध्य प्रभु शिवाजी की पुण्याई मानता हूँ कि राधा वल्लभ जी कितने सुंदर दर्शन हुए, और उनसे ही चरणों में प्रार्थना करूँगा कि ऐसे ही उनकी कृपा बनी रहे और हम भी सेवा में। आप एस टी पी प्लांट का निरीक्षण करने जा रहे हैं, लेकिन देखा जाता है कि कई बार एस टी पी जो मैनेज कर वो नहीं होती। मुझे लगता है कि जो आप सोचते हैं मोदी जी के आने के बाद, हम लोग इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि जो ओवरलोड होता है उसको हम पहले कैसे कम तक करें, और किसी भी परिस्थितियों में कोई भी गंदा जल माँ यमुना में ना जाए। हम सभी नदियों के बारे में जब विचार करते हैं, लेकिन पवित्र नदियों में यमुना जी है, गंगा जी है, नर्मदा जी है, कि एक बूंद भी दूषित जल ना जाए, इस प्रबंधन पर जितनी बारीकियाँ हो सकती हैं। आपकी भी कोई जानकारी होती है जरूर दिखाइए, हम उसको सुझाव के रूप में लेंगे। मंत्री जी, रात को 12 बजे की बात है।